After the long vacation due to the COVID-19, we have introduced with each other. Today we are starting the first chapter of history. The story of our city is Harappa Archaeological Overview. पुरानी किताबों में इसी चैप्टर को दूसरे नाम से दिया गया है, बिग डेट एंड मोन्स द हरप्पा सिविलाइजेशन। बट न्यू एडिशन में जो बुक में इस चैप्टर का जो टाइटल दिया गया है वह स्टोरी ऑफ द सिटी हरप्पा आर्कियोलॉजी ब्रॉड ओवरव्यू। यू हैव कंफ्यूज कि ये कौन सा चैप्टर है, बट किसी भी तरह से आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों चैप्टर सेम है, केवल टाइटल चेंज किए, कंटेंट सेम है, कंटेंट में किसी भी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं सेम एज इट इज है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सिलेबस क्या है, हिस्ट्री को तीन पार्ट में हमें अपनी बात पढ़ना है। फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में मेडिवल हिस्ट्री, थर्ड पार्ट में हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आज फर्स्ट चैप्टर, इसके पहले जो वैकेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने इनके वीडियोज आपसे शेयर किए थे एंड ऑल्सो प्रोवाइड टू द क्वेश्चन आंसर इन अ पीडीएफ। And maybe I hope that you have prepared your notes. But today we are doing the online classes with you. Now we have revised same chapter of all topics in histories which have given by the videos in our vacations due to COVID-19. First, हमें chapter का है story of the first cities. हरप्पा आर्कियोलॉजी ब्रॉड ओवरव्यू। बट बिफोर द इन्वेंशन और डिस्कवरीज ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन वी हैव नो देयर द मेसोपोटामिया इज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वी हैव रीड अबाउट इन क्लास 11। देयर हैव द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन द रिवर ऑफ द लैंड फरात इन इराक। यू नो वेरी वेल अबाउट देम। Then in a chapter we have started the writing about the learning of the humanities, the where the civilization developed, but the discovery of the Harappa civilization we have found that it is much older than the Mesopotamia and other civilizations. ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से पुरानी सभ्यता हमारी पाई गई है, हड़प्पा की सभ्यता। एंड नाउ दिस पीरियड वाज गोइंग ऑन नियर अबाउट 2900 1900, यानी आज से 3000 साल पहले ये हड़प्पा की सभ्यता जो डिस्कवर की गई थी, वो भी उस सेकेंड स्टेज में जब हमारी और सारी सभ्यताओं जिनके बारे में हमने जाना वह अपने प्रारंभिक चरण में थी, उस दरमियान हमारी जो ये सिविलाइजेशन डेवलप करके जिसका हमें प्रमाण मिला 1920 व्हेन द जॉन मार्शल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ही हैड डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम द गाइडलाइन ऑफ द रेफरेंसेस हड़प्पा सिविलाइजेशन का उन्होंने खोज की। तब ये पता चला कि जो सभ्यता इन्होंने वह काफी डेवलप्ड अवस्था में थी और इस सिटीज को हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि इसका विकास नगरीय सभ्यता के आधार पर हुआ। हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ थी, वेयर इट वॉज सिचुएटेड, हाउ वी कैन फाइंड द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हाउ वी नो द एक्चुअल पोजिशन एंड वॉट डिड दे आर द एज ऑफ द सिविलाइजेशन बाई द कार्बनाइजेशन ऑफ देयर टूल्स वी फाइंड इन देयर फाइंड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल टूल्स बाई एज अस
appetite and other contents of the animal's bones from which we have decided the age of civilization of the past. Carbonization is the best process to know of any any age of the any dead animal's body bones. We have find the seals, bricks, and other potteries we have find there. Now, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो हड़प्पा की सभ्यता, ये जो हड़प्पा की सभ्यता हमें पता चली है, जो या कहाँ है, किस क्षेत्र में? The Harappa Intervalley Civilization is also known as the Harappa Civilization, separate in India, Pakistan and Afghanistan. This civilization was formed in the Hornbill, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इस क्षेत्र में यह सभ्यता ज्यादा पूरी थी. हड़प्पा वॉर द फर्स्ट साइट वॉर डिस्कवर्ड. पहले सबसे पहले हड़प्पा एक प्लेस है जहाँ पर सिविलाइजेशन को खोजा गया था. यहाँ मैप की जगह शो करते हैं. मैप में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हड़प्पा या और जो उसके प्लेसेस हैं जहाँ से हमें सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है, उसके इम्पोर्टेंट प्लेस कौन कौन से हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, हम मैप के द्वारा आपको दिखा रहे हैं. समझने की कोशिश करिए कि ये हड़प्पा की उस पोजिशन कहाँ है. ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैप ये इंडिया का मैप है और ये जो पोजिशन है इंडिया की बाउंड्री जो प्रेजेंट टाइम है. यहाँ पर जो गुजरात में यहाँ पर नर्मदा स्रोत है. गुजरात के ऊपर यहाँ पे जो स्कूल से जैन इधर आ रहा है आनंद है लोधा. इस समय जो इंडिया में जो प्लेस हैं इंडिया में लोधा धोलावीरा जहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पाया गया वन कालीबंगा और ये सारी चीज़ें यहाँ के मेन प्लेस थे इंडिया में. उसके अलावा जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो आम्रपालीपुर कोटडीह हड़प्पा और ये सारे प्लेसेस मुख्यतः भारत के बाहर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आते हैं. ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो प्लेस है ये पूरा प्लेस हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया है जहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ था. यहाँ बिगनिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन जब इस सभ्यता को खोजा गया था ये जो सभ्यता डेवलप हुई थी इसे सिर्फ अर्बन सोसाइटीज के रूप में माना गया क्योंकि दे हैव यूज द ब्रिक्स. ब्रिक्स पक्की ईंटों की पक्की ईंटें यहाँ पे पाई गई. यहाँ पे मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में से लेके पाए मोहनजोदड़ो में आपके जहाज से पाए गए वहाँ पे निर्माण पाए गए और वहाँ पे जो नगरी संरचना शुरू मिली है हड़प्पा में भी नगरी संरचनाओं की बस्तियाँ मिली जिसके बारे में आगे डिटेल्स वर्णन करेंगे. ये सारी चीज़ें पाई गई हैं. इनके आधार पर यहाँ पर पता चलता है कि जो सिविलाइजेशन का नेचर था वहाँ पर या जो अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी. उसके साथ साथ हम यह पढ़ना चाहेंगे कि उस समय या सिविलाइजेशन डेवलप हुई इस सिचुएशन में आपको देखें या इस सिविलाइजेशन को इंटर दिल्ली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही जाती है. इंटर दिल्ली क्यों? क्योंकि जो इसकी इम्पोर्टेंट प्लेस है वह इंडस नदी के
जिसे हम सिंधु की नदी कहते हैं, जिसे ईश्वर दिखाया गया है, ये आपके इंटरफेल है और इसे इंटरफेल से आगे आपके सात नदियां बह रही हैं, उन सेवन रिवर्स में आपके झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, राजी और ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इस सतलज नदी तो विंटर नदी के जो सहायक रिवर्स हैं, जो और रिवर्स हैं, उनके बीच में ये हर सिविलाइजेशन डेवलप हुई। और क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट प्लेस इस वैली से जुड़े हुए हैं, मोहनजोदड़ो और कोहिनूर, और हड़प्पा जो मेन सोर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड इन नियर द इंडस वैली, सो दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु सभ्यता और सिंधु सिविलाइजेशन। सो ये फाइव रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सिंधु, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव रिवर्स हैव फॉर्म द इन दिस एरिया। फ्रॉम दिस एरिया वी हैव फाइंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट प्लेसेस कि वहाँ पे एग्रीकल्चर्स के बारे में पता चलता है। एग्रीकल्चर में खुले रहते हैं, जैसे पता चलता है वहाँ पे खेती होती थी, मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े स्नानागार मिले, वहाँ पे जलाशय मिला, वहाँ के मकानों की संरचना एकदम नगरीय संरचना की तरह मिली, मकान एकदम सुसज्जित थे। ये तमाम चीज़ें थी जिससे कि मोहनजोदड़ो में वहाँ पर मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हड़प्पा में दोनों तरह की सभ्यता को दिखता है, जो डेवलप और अंडर। पूरे इनसे डेवलपमेंट के आधार पर जो